लॉर्ड्स के तायात रुकन बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लॉर्ड नजीर अहमद ने तारकीन वतन रहनुमा चौधरी दिलपजीर की क्यादत में मिलने वाले वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, रियासी दहशत गर्दी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके आलमी अमन को तबाह करना चाहता है। भारत के खिलाफ बरतानवी ईवानों में आवाज बुलंद करेंगे। बरतानवी दारुल उम्रा के ताहयात रुकन लॉर्ड नजीर अहमद ने लंदन में मारूफ तारकीन वतन रहनुमा चौधरी दिलपजीर की क्यादत में मिलने वाले वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से वो भारतीय मजालिम के खिलाफ पहले की तरह हालिया भारतीय दहशतगर्दी पर भारतीय ऐवानों में आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत बटल सेक्टर और लाइन ऑफ कंट्रोल के दीगर मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके न सिर्फ आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है बल्कि अमन को भी खतरात से दोचार कर रखा है। कश्मीर के मुतनाजा मामला पर दो एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम दुनिया के अमन के लिए खतरे की बात है। लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की सख्त पामालियों में मुलव्वस है। आजाद